बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अक्सर लोगों से जब मैंने ये सवाल किया कि अल्लाह ने इंसान को किस लिए खल्क किया है, तो अक्सर लोगों ने जवाब दिया कि अपनी इबादत के लिए। और अक्सर लोगों से ये जवाब सुनने के बाद मुझे ये ख्याल आया कि यही कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से अक्सर मुसलमान हकीकी मुसलमान और मोमिन नहीं है। और वो इस तरह कि जब एक शख्स ये कॉन्सेप्ट रखता है कि अल्लाह ने उसे इबादत के लिए खल्क किया है, तो वो अपनी इबादतें अंजाम देता है, वो नमाज़ पढ़ता है, वो रोज़ा रखता है, वो दीगर इबादत को अंजाम देता है, और इन इबादत को अंजाम देने के साथ वो समझता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के खलकत का मकसद पूरा कर दिया है। और नमाज़ पढ़ने के साथ वो झूठ भी बोलता है, और रोज़ा रखने के बाद वो नामहरम की जानिब भी देखता है, हज पर जाने के बावजूद भी वो बदअखलाकी करता है। लिहाजा इन इबादत को अंजाम देकर वो ये समझता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर लिया है, और अब इन इबादत के बावजूद मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं बदअखलाकी भी कर सकता हूँ, मैं लोगों को धोखा भी दे सकता हूँ, मैं लोगों के साथ फ्रॉड भी कर सकता हूँ, और मैं नामहरमों की जानिब देख भी सकता हूँ। इसी वजह से बाज़ नमाज़ पढ़ने वाले अफराद और दीनदार अफराद नमाज भी पढ़ते हैं और झूठ भी बोलते हैं, नमाज के सफ़े अव्वल जमात में भी मौजूद होते हैं और सूद भी खाते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ इबादात के साथ साथ मुख्तलिफ हराम कामों को भी अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ धोखेबाजियाँ भी करते हैं। लेकिन अगर हम कुरान की जानिब रुजू करें, अल्लाह से सवाल करें कि ए अल्लाह, तुमने मुझ इंसान को किस लिए खल्क किया है, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदूनी, कि मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बंदगी के लिए खल्क किया है, ताकि वो मेरी बंदगी करें। और बंदगी यह है कि इंसान अपने पूरे वजूद को अल्लाह के सामने तस्लीम कर दे, अपने पूरे वजूद को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने आमाल को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, यानी इंसान वो आमाल अंजाम दे जिनकी अल्लाह ने इजाज़त दी है, इंसान अपनी उन ख्वाहिशात को पूरा करे जिनकी अल्लाह ने इजाज़त दी है। और अगर इंसान इस अकीदे का मालिक बन जाए, तो वो झूठ भी नहीं बोलेगा, वो नामहरमों की जानिब भी नहीं देखेगा, वो हराम काम भी अंजाम नहीं देगा, वो सूद भी नहीं खाएगा, और वो लोगों को धोखा भी नहीं देगा, और लोगों का हक भी नहीं छीनेगा। लिहाजा इससे पहले अगर हम भी ये समझते थे कि अल्लाह ने हमें इबादत और अपनी इबादत के लिए खल्क किया है, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए नहीं बल्कि बंदगी के लिए खल्क किया है, और इबादत करना बंदगी तक पहुँचने का एक ज़रिया है। अल्लाह ने नमाज को वाजिब करार दिया है, ताकि इस इबादत के ज़रिए इंसान बंदगी की मंजिल तक पहुँच जाए। अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है, ताकि इस रोज़े के ज़रिए इंसान बंदगी की उस मंजिल तक पहुंच जाए, और अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने आमाल को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, यानी ए अल्लाह, मेरे आमाल, मेरी ख्वाहिशात, मेरी सोच, मेरी आंखें सब तुम्हारे अहकामात के ताबे हैं। और इंसान की दुनिया और आखिरत की निजात का जामिन अल्लाह की बंदगी करना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।